I am Dr. S.K. Jain. I am practicing as an orthopedic surgeon in East Delhi, Dilshad Garden area. Today we will be talking about osteoarthritis. Osteoarthritis को हम normal general language में गठिया या फिर joints की grease खत्म हो जाना भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये कौन कौन से joints को, कौन कौन से जोड़ों को affect करता है? ज्यादातर अगर आप देखोगे ये उन जॉइंट्स को अफेक्ट करता है जिनके ऊपर वेट ज्यादा आता है, जैसे कि हमारे कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़ या पैरों के जॉइंट्स। दूसरे उस तरह के जॉइंट्स को ज्यादा अफेक्ट करता है जिनको हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ के जॉइंट, एल्बो जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट, ठीक है? तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप देखो कि हमारे नॉर्मल जॉइंट में, ये हमारे नॉर्मल जॉइंट की पिक्चर है, अगर आप ये देखो ध्यान से, ये ग्लिसनिंग व्हाइट स्ट्रक्चर आप देखोगे, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज हमारी दोनों बोन्स के एंड के ऊपर चढ़ा होता है जोड़ के अंदर, ताकि उनकी मूवमेंट अच्छी तरह से। अगर किसी कारण से ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है तो बोन्स के साथ बोन रब करने लग जाती है, जिससे पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, पेशेंट चल फिर नहीं पाता, उनको अच्छी तरह से मोड़ नहीं पाता। अगर आप ध्यान से इस दूसरी पिक्चर की तरफ देखें, इस पिक्चर में अगर आप देखोगे ये ग्लिसनिंग वाइट स्ट्रक्चर कार्टिलेज है, वो डैमेज हो चुकी है। तो जब भी कोई इंसान इस ज्वाइंट को मोड़ेगा, चलेगा, तो ये वाली सरफेस इस सरफेस के ऊपर रब करेगी, जिससे रगड़ पैदा होगी, पेन होगा, स्वेलिंग आएगी और पेशेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चलना। तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर गठिया बोलते हैं। अब ये होता किन लोगों में है, क्या क्या कारण है इसके होने के? मोस्ट कॉमन रीजन, मोस्ट कॉमन कारण इसका होने का एज है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, 40 के अबव, हमारे शरीर में वीर एंड टीयर होनी चालू हो जाती है, जिससे ये कार्टिलेज डैमेज हो जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर गठिया कर देती है। और क्या कारण है, देखने में आया कि लेडीज में ये दिक्कत बहुत ज्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू जेंट्स, जो लोग, जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है, क्योंकि ज्वाइंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, इसलिए उन लोगों में ये दिक्कत होती है। अगर किसी को किसी ज्वाइंट में पहले चोट लगी हो तो वो भी एक कारण बन सकती है कार्टिलेज के डैमेज होने का, ठीक है? तो अगर ऐसा पेशेंट आएगा या किसी बंदे को ऐसी दिक्कत होगी तो उसको कैसे पहचानोगे? तो उस बंदे को पेन होगा घुटने में, उसकी मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगी, स्टिफनेस होगी, जॉइंट में स्वेलिंग हो सकती है, उसका जॉइंट आधा टेढ़ा हो सकता है, नॉर्मल नहीं लगेगा, उनको लगेगा, पेशेंट को देखने से पता चल जाएगा कि जॉइंट ठीक नहीं है और वो अच्छी तरह से उससे काम नहीं कर पाएगा। और अगर हम चेक करेंगे तो आप देखोगे जॉइंट में स्वेलिंग होगी, उसके मसल्स कमजोर हो जाएंगे, जॉइंट में डिफॉर्मिटी होगी, आधा टेढ़ा होगा, हाथ से दबाने से वहां पे दर्द होगा, मूवमेंट अच्छी तरह से नहीं होगी और इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जॉइंट अच्छी तरह से स्टेबल ना हो। तो ऐसे जॉइंट्स के लिए क्या करना चाहिए हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पेन है, रगड़ है, फ्रिक्शन है, तो हमें पहले फ्रिक्शन को कम करना है। उसके लिए बेटर यही रहेगा कि पेशेंट कोई चीज की सपोर्ट लेके चले, ताकि उस जॉइंट के ऊपर वेट कम आए, रगड़ कम हो। दूसरा, हमें पेशेंट के पेन को कम करना है, उसके लिए हम पेन किलर मेडिकेशन ले सकते हैं। तीसरा, क्योंकि पेन और रगड़ की वजह से पेशेंट अपने मसल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा तो मसल्स कमजोर हो जाएंगे, मसल कमजोर हो जाएंगे तो जॉइंट और कमजोर हो जाएगा, इससे और ज्यादा वेट आने लग जाएगा, दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसेस में एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकल थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी पेशेंट को नीचे बैठना, उठना, इंडियन टॉयलेट को इस्तेमाल करना, ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे और ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है। ज्यादातर लोग ऐसी ट्रीटमेंट से, इन मोडेलिटी से ठीक हो जाते हैं, जो नहीं हो पाते उनमें फिर हमें कई बार जॉइंट के अंदर एक इंजेक्शन डाल के एक थिक जेली जैसा मटेरियल डालना पड़ता है, जो कि अंदर की रगड़ को कम करता है। जो लोगों को इससे भी आराम नहीं पड़ता, उनमें हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। या तो हम जॉइंट को क्लीन कर देते हैं अंदर से आर्थ्रोस्कोपी से, दूरबीन से, या फिर हमें जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें हम
इसके ऊपर एक मेटल का कप यहाँ पे और मेटल का कप इधर चढ़ा देते हैं और बीच में प्लास्टिक का स्पेसर डाल देते हैं, तो बोन्स के साथ बोन्स रब नहीं होती और फिर उसमें दर्द नहीं होता। ऐसे ही नी जॉइंट में और हिप जॉइंट में कर सकते हैं। तो जो पेशेंट्स में ये भी करना पॉसिबल नहीं है या नहीं अफोर्ड कर पाते, उनमें फिर एक और सर्जरी होती है जिसमें हम ज्वाइंट को खत्म कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मूवमेंट नहीं होगी, रगड़ नहीं होगी, तो दर्द नहीं होगा। ये बीमारी बहुत कॉमन है, एवरी बॉडी विल हैव दिस डिजीज एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो ये जरूरी है कि आप सही टाइम पे सही बंदे को कंसल्ट करके इसकी ट्रीटमेंट को चालू करें और फॉलो करें, एंड यू कैन हैव ए गुड लाइफ। थैंक यू। थैंक यू।